उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। खाना बनाना कोई मसला नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। अपने घर के मसालों में रहते हुए चंद मिसालों के अंदर आप हेल्दी खाना बनाएं और अपनी फैमिली की जान बन जाएं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दाल, मूंग की दाल, जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की है। तो हमारे पास है तकरीबन 150 ग्राम दाल और 1.5 किलो हमारे पास पानी है बॉयल किया हुआ, जिसके अंदर नमक, मिर्च और हल्दी मैंने ऐड कर दी। दड़ा मिर्च और पिसी हुई मिर्च मैंने 1/2 टीस्पून ऐड की और 10 से 12 अदद मैंने सब्ज मिर्च ऐड कर दी और दाल को अच्छे से वॉश करके गर्म पानी में मैंने डाल दिया। और अब मैं कर दूंगी कुकर को बंद। ये जस्ट 10 से 12 मिनट करूंगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें जो है पानी गर्म डाला था, तो इसलिए फिर मुझे ज़्यादा नीड नहीं रहेगी कि मैं इसको ज़्यादा देर पकाऊं, क्योंकि इससे आपकी गैस की भी बचत होती है और आप आसानी से खाना 10-15 मिनट के अंदर तैयार कर लेते हैं। हमने कुकर को ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं हमारा खाना जो है तकरीबन तैयार है। हमारी दाल थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, तो हम थोड़ा सा पानी बॉईल करेंगे और इस दाल के अंदर डाल देंगे और दाल को दो से तीन मिनट दोबारा से हम इसको बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं अब हमने देसी घी जो है फ्राई पैन में रख दिया है। अब देसी घी के अंदर हम 1 टीस्पून जो है लहसुन का जोए, जो कि 8 से 10 अदद थे, हमने इनको बारीक पेस्ट बना लिया और घी के अंदर ऐड कर दिया। जब तक ये लहसुन ब्राउन होता है हमारा, हम जो है कुकर को हमने दोबारा बंद कर दिया 3 से 4 मिनट। अब देखिए जैसे हम दाल चाहते थे परफेक्ट वैसे तैयार हो चुकी है। 1/4 टीस्पून हमने इसके अंदर जो है गरम मसाला ऐड कर दिया और हमने इसके अंदर 2 अदद लीमू ऐड किए, 1.5 अदद, 2 और 1/2। हमारा लीमू अंदर चला गया, हमसे गिर गया, तो हम इसको निकालेंगे दोबारा। आप देख सकते हैं हमने इसमें जो है अब लहसुन हमारा ब्राउन हो चुका है, रेड हो चुका है। वाह, क्या खुशबू, क्या टेस्ट, क्या स्मेल आ रही है। तो इस तरह के ज़बरदस्त खानों के लिए आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। हमने इसको तड़का लगाया तो इसकी खुशबू बहुत दूर तक फैल गई। हमने राइस बनाए हुए थे, साथ में हमने दाल बना ली ताकि हम इसको जो है दाल का मज़ा दुबाला कर पाएँ। और सुबह हम इसको नाश्ते में पराठे के साथ यूज़ करेंगे। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही टेस्टी यमी बनी थी। आप भी इस तरह ज़रूर ट्राई करें।